अपर के ऊपर आप काम करना चाहते हैं आपको समझ नहीं आती कि अपर के ऊपर काम कैसे किया जाता है प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है रैंक कैसे किया जाता है ऑर्डर कैसे लिए जाते हैं प्रपोजल कैसे भेजा जाता है या अगर आप अपर के किसी एक स्टेज पे पहुंच गए लेकिन आप स्टक हो गए आपको ऑर्डर नहीं आ रहे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आप लोगों के लिए होने जा रहा है ये टोटली ही फ्री कोर्स होगा तो कोशिश करनी है कि आपने एंड तक चीजों को फॉलोअप करना है असलम तो कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज तो अपर के फ्री कोर्स का आज हमारी पहली वीडियो होने जा रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि अपर के अंदर कोई भी नीश काम करने के लिए सिलेक्ट कैसे की जाती है उस स्किल को उस नीश को आप नैरो डाउन कैसे करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे ऑर्डर्स आ सके मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये जो नीच सिलेक्शन होती है स्किल सिलेक्शन होती है ये किसी भी एक प्रोफाइल की बेस होती है अगर आपकी प्रोफाइल की बेस स्ट्रांग नहीं है आपको बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं आपकी प्रोफाइल अच्छी रैंकिंग के अंदर नहीं आएगी तो मैंने ताकि बीच में आप लोग कोई भी किसी किस्म का स्टेप मिस ना कर जाए ओके गाइज वेलकम बैक टू माई स्क्रीन तो अपर के ऊपर मैं आ चुका हूं मैंने आप लोगों को कहा था लाइव समझाऊंगा कि कैसे कीवर्ड्स ढूंढे जाते हैं तो डिटेल में हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो आपने कोशिश करनी है वीडियो को एंड तक देखना है बने रहना है ताकि एक एक स्टेप आपको याद रहे तो सबसे पहले जो मैं मेथड समझाने जा रहा हूं वो बहुत ही सिंपल सा मेथड है उस मेथड में आप करते ये हैं कि मिसाल के तौर पर आप किसी किस्म की डिजाइनिंग सर्विसेज देना चाहते हैं या कोई भी आपकी सर्विसेज हैं आप उसके रिलेटेड कोई भी कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद अपर या फाइबर पर भी खैर ये स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हैं वो आपको खुद ही सजेस्ट करने लग जाता है तो वो जो खुद सजेस्ट करने वाले कीवर्ड्स होते हैं वो बेसिकली ये वो चीज़ होती है जो उस फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर रेगुलर बेसिस पर सर्च किया जा रहा होता है मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर लिखता हूँ बिजनेस ठीक है अब बिजनेस मैंने लिखा है तो बिजनेस के रिलेटेड मुख्तफ चीज़ें आ गई अब अगर आप आर्टिकल राइटिंग ही देते हैं मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ ठीक है मैं राइटर लिखता हूँ ठीक है राइटर लिखने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे सजेस्ट करने लग जाएगा टेक्निकल राइटर ब्लॉग राइटर सारा कुछ राइटर अब मैं मिसाल के तौर पर टेक्निकल राइटिंग की सर्विसेज देना चाहता हूँ मैं टेक्निकल राइटिंग की सर्विसेज पे क्लिक करूँगा मैं इसमें देखूंगा कि टेक्निकल राइटिंग की कौन कौन से लोग ये ऑलरेडी रैंकिंग के अंदर आ रहे हैं जो सर्विसज प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है अब मिसाल के तौर पर मैं ये बंदा खोल लेता हूँ जॉश नामी बंदा है ठीक है इसको ओपन कर लूँगा ये इसकी मैंने प्रोफाइल ओपन कर ली ठीक है आप लोगों ने उसकी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है वहाँ पे फिर आपने देखना है अभी आपकी फील्ड के रिलेटेड बंदा है जो इसने अपने डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं अभी ये चूंकि मैंने लॉग इन नहीं किया हुआ इतनी ज़्यादा मुझे डिटेल्स नहीं दिखा रहा लेकिन अगर आप लोगों ने लॉग किया हो तो आपको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स दिखाता है अब मिसाल के तौर पर मैंने लोगो डिज़ाइनर लिखा था ठीक है लोगो डिज़ाइनर लिखा था तो उसने मुझे ये प्रोफाइल सजेस्ट की थी ठीक है ये प्रोफाइल टॉप पे आ रही थी अब ये प्रोफाइल टॉप पे आ रही थी आपने अब देखना है कि इसके अंदर इसने कीवर्ड कैसे तरीके से यूज किया हुआ है अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस बंदे ने देखें बिजनेस लोगो डिजाइन अब देखिए इसने लोगो डिज़ाइन अकेला नहीं लिखा हुआ अब लोगो डिजाइन पे अगर आप लोग प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको ऑर्डर नहीं आने वाले क्योंकि कम्पिटिशन बहुत ज्यादा है अब आपको जो उसने सजेस्ट किए थे की आपने उसके ऊपर क्लिक करना है टॉप की प्रोफाइल्स खोल ली हैं उसके अंदर देखना है कि जो लोग रैंकिंग में आ रहे हैं उन्होंने किस किस टाइप के की यूज किए हुए हैं अब सबसे पहला इसने लिखा हुआ है बिजनेस लोगो डिजाइनर अब इसने अपनी नीच को बहुत ज्यादा डाउन करके बहुत छोटा कर लिया बिजनेस लोगो डिजाइनर के अंदर आ गया अब ये आपने जहन में रख लेना अगला देखें उसने भी कीवर्ड ये वाला भी 100 परसेंट लो कंपटीशन कीवर्ड है कंपनी लोगो डिजाइन अब कंपनी लोग देखें एक, एक, एक देखें एक बंदा लिखता है लोगो डिजाइनर या लोगो डिजाइन तो वो हाई कंपटीशन हो जाता है लेकिन अगर आपने उसको नैरो डाउन करना है तो आप स्पेसिफ़िक हो जाते हो कि मैं इस चीज़ के रिलेटेड ये चीज़ डिज़ाइन करके दूंगा अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिखते हैं होटल्स लोगो डिज़ाइन उसके अलावा रेस्टोरेंट्स लोगो डिज़ाइन टेक के रिलेटेड कोई कंपनीज है उसके रिलेटेड लोगो डिज़ाइन तो अब ये उसने जब ये ये चीज़ें लिख दी है ना मेजर चीज़ें बड़ी नैरो डाउन करके माइक्रोनिश कर लिया है तभी उसकी प्रोफाइल रैंकिंग के अंदर अच्छे से आ रही है ऑल दो के एक बड़ी ऑब्वियस बात है कि जब आपको ऑर्डर लगने लग जाते हैं तो आपकी प्रोफाइल रैंकिंग में आ ही जाती है लेकिन शुरू में ये बड़ा स्मार्टली प्ले होता है कि आप कीवर्ड्स अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐसे डालो जो ज्यादातर लोग ना यूज़ कर रहे हो जब ज्यादातर लोग ना नहीं यूज़ कर रहे होंगे तो एक बड़ी ऑब्वियस थिंग है कि ये दो कीवर्ड मिसाल के तौर पे दस बंदे यूज़ कर रहे हैं तो आपने डाला है तो दसवें नंबर पे, ग्यारहवें नंबर, नंबर पे कहीं ना कहीं पे तो आप रैंक करोगे अब ये वाला जो कीवर्ड है लोगो डिज़ाइनर ये बहुत ही कैजुअल किस्म का कीवर्ड है ठीक है नॉर्मल किस्म का कीवर्ड है ये ऑलमोस्ट हर बंदा यूज़ करता है अब ये हजार लोगों ने किया हुआ है तो आप हज कहीं जाके हजारवें नंबर पे जाके आपका सर्च रिजल्ट में आ रहे हो तो उसका क्या फायदा है तो बेहतर ये है कि वो कीवर्ड यूज करो जहाँ पे जो कम लोगों ने कंपैरेटिवली यूज किया होगा तो आपको सर्च रिजल्ट्स में आने में आसानी हो जाएगी उसके अलावा एक और जो तरीका होता है अपने कीवर्ड्स ढूंढने का वो होता है आप जॉब्स के थ्रू अब यहाँ पे जो मैं अफर्क पे आके आप मैंने ये सर्च किया था ये मैंने टैलेंट्स पे क्लिक किया था मिसाल के तौर पर ये देखें आपके पास ऑप्शन आ रहे होता है अब मैंने टैलेंट पे क्लिक करके ये पहले लिखा था कि लोग कौन कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं ये होता है पहला मेथड ठीक है दूसरा मेथड होता है अब जॉब्स के अंदर कीवर्ड सर्च करते हैं अब मिसाल के तौर पे मैंने टेक्निकल राइटर अब मैं एक हूँ मैं मेडिकल फील्ड के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ कि मेडिकल टाइप की कंटेंट राइटिंग मैं करके देता हूँ मेडिकल फील्ड के रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की कंटेंट राइटिंग है मैं वो करके देता हूँ ठीक है अब मैं मेडिकल राइटर यहाँ पर लिख के जॉब्स उसके रिलेटेड सर्च करता हूँ कि लोग जॉब्स भी इस कीवर्ड के ऊपर पोस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेडिकल राइटर ठीक है अब मेडिकल राइटर मैंने लिखा है ठीक है अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जॉब्स पोस्ट की हुई हैं अब देखें ये वो चीज है जो क्लाइंट्स पोस्ट करते हैं ठीक है क्लाइंट पोस्ट करते हैं मीन्स ये कि उनको इस चीज़ की एग्जैक्ट डिमांड है और वो यही एग्जैक्ट चीजें अपर के ऊपर आके सर्च भी करते हैं मिसाल के तौर पे इस बंदे ने मेडिकल ग्रेंट्स लिखा हुआ है ना अब मेडिकल ग्रांट्स राइटर जॉब जो भी बंदा किसी बंदे ने अगर इस टाइप के कीवर्ड अपनी प्रोफाइल के अंदर डाले हुए थे तो जैसे ही इस बंदे ने जॉब पोस्ट की की थी अपर ने इसको साथ में प्रोफाइल सजेस्ट कराई होंगी कि ये ये बंदे मेडिकल ग्रांट्स वगैरह या इस टाइप की मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह ये लिखते हैं ठीक है जब वो सजेस्ट कर रही होंगी तो उस बंदे ने लाजमी उन बंदों को इनवाइट किया होगा इनविटेशन भेजा होगा मींस ये कि उनको कनेक्ट्स भी नहीं यूज़ करने पड़े होंगे अप्लाई करने के लिए और इजीली फ्री में उनके जॉब सिक्योर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं प्रोफाइल भी उनकी रैंकिंग के अंदर आ गई होगी तो इस तरह जॉब्स के अंदर से भी आप लोग ढूंढ सकते हो क्योंकि जॉब्स के अंदर से आपको डायरेक्ट क्लाइंट की साइकी मिलती है कि क्लाइंट्स नॉर्मल बेसिस पर आके क्या सर्च करते हैं यहाँ पर के ऊपर हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें आप लोग मेडिकल रिसर्च फ्यूचर फंड अब मेडिकल रिसर्च एक अच्छा कीवर्ड आप कह सकते हो अब अगर आप इस जॉब्स की डिस्क्रिप्शन अगर ये मुझे अलाउ करते हैं ओपन करने देता है ये जिस तरह है ठीक है इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से नॉर्मली वो मेडिकल फील्ड के रिलेटेड राइटिंग के रिलेटेड की यूज कर रहा है जो कि आप मोस्ट प्रोबेबली अपनी जॉब के अंदर लिख सकते हैं और अपनी प्रोफाइल सॉरी uh, अपनी प्रोफाइल्स के अंदर लिख सकते हैं अपनी प्रोफाइल को रैंकिंग के अंदर लाने के लिए अब मैं एक और एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ आपको डिजाइनर हो ठीक है आप अपने नीच को आप लोग लिखना है मिसाल के तौर पे अभी आपने शायद इतना नैरो भी नहीं किया जब इसने आपने लोगों लिखने की कोशिश किया तो उसने आपको सजेस्ट कर दिया मिसाल के तौर पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया अब देखें अब ये हमें वो वो चीज़ें दिखाएगा जो अपर के ऊपर क्लाइंट्स आके पोस्ट करते हैं जॉब्स के लिए एक चीज़ मैं अगेन बताता चलूँ जब भी कोई क्लाइंट आके अपर के ऊपर किसी जॉब को पोस्ट करता है तो उसको कुछ प्रोफाइल्स भी सजेस्ट की जाती हैं कि ये फ्रीलांसर इस टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं तो वो उनको डायरेक्ट मैसेजेस और इनवाइट्स भी, भी भेजता है जिससे आपके जॉब सिक्योर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं इसी वजह से मैं आप लोगों को फोकस करवा रहा हूँ कि कीवर्ड्स निकालना इसी वजह से ज़रूरी है अब मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर एनिमेटेड लोगों का कीवर्ड डाला हुआ था ठीक है ये एनिमेटेड लोगों का की आ जाता है ठीक है ठीक है ये इलस्ट्रेटर नेडीड टू क्रिएट अ लोगो क्रिएट लोगो का आपने कीवर्ड डाला हुआ था वी एफ एक्स डिजाइन आर्टिस्ट इस टाइप का आपने कीवर्ड डाला हुआ था कहने का मकसद ये है कि जो जॉब्स हैं आप देखें ये एक प्रॉपर कीवर्ड लिखा हुआ है ग्राफिक डिजाइन ठीक है ऐसे आप लोगों ने कीवर्ड ढूंढने हैं ऐसे आप लोगों ने कीवर्ड ढूंढने हैं जो ज्यादातर लोग नॉर्मली तौर पे यूज नहीं करते ठीक है अब ये जब आपको जॉब्स के अंदर से भी काफी ज्यादा कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो इधर टैलेंट वाला फीचर होता है इसके अंदर से भी आपको काफी सारे ऐसे कीवर्ड यूनिक से मिल लेंगे देखिए जो बहुत ही कॉमन कॉमन किस्म के कीवर्ड होते हैं ना लाइक ग्राफिक डिजाइनर ग्राफिक डिजाइनिंग हर बंदा यूज करता है लोगो ये हर बंदा यूज करता है अब जिस तरह ये वाली चीज है ये जॉब आई थी इसमें इस बंदे को प्रोडक्ट इमेजेस क्रिएट कराना अब ये प्रोडक्ट इमेजेस एक कीवर्ड है बैनर इमेजेस कीवर्ड है ठीक है अब इस टाइप के कीवर्ड्स आपको जॉब की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएंगे जॉब टाइटल्स के अंदर भी मिल जाएंगे ठीक है अब ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है एआई जनरेटेड इमेजेस फॉर ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स अब ये ई e कॉमर्स के रिलेटेड जो डिजाइनर्स हैं इमेजेस क्रिएट करते हैं ये उनके लिए जॉब आई हुई है अगर ये अब आपने डाले हुए थे अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर तो बहुत अच्छे से आपको रैंकिंग मिल सकती थी ठीक है जिससे आप लोगों को क्लाइंट्स डायरेक्ट इन्वाइट करते ना आपको कनेक्ट्स परचेज करके जॉब के ऊपर अप्लाई करना पड़ता ना आपको खुद जॉब के ऊपर अप्लाई करने वाली जहमत करनी पड़ती डायरेक्ट आपको क्लाइंट का मैसेज आता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है इसके ऊपर मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो ठीक है तो ये वो बेसिकली मेथड्स होते हैं जो मैं खुद भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता हूँ जब भी कोई एक अपर की प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ कि आप लोग इन मेथड्स को यूज़ करते हुए अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकाल सकते हो एक चीज हमेशा याद रखनी है किसी एक माइक्रो स्किल के ओरिएंटेड ही आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है मल्टीपल स्किल्स के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट नहीं करनी प्रोफाइल अच्छी रैंकिंग के अंदर नहीं आएगी एज अ बिगनर तो कम अज कम जब तक सौ रिव्यूज नहीं लग जाते तब तक ये वाला काम ना करना ठीक है मिसाल के तौर पे अब बिजनेस लोगों और कंपनी लोगों बनाना है तो उसी के ओरिएंटेड ही आपने प्रोफाइल बनानी है मेडिकल राइटिंग के रिलेटेड आपने प्रोफाइल बनानी है तो उसी के रिलेटेड प्रोफाइल बनाएं कीवर्ड्स ढूंढें टोटली प्रोफाइल उसी के ओरिएंटेड बनाएं उसके अंदर आपने ये काम नहीं करना कि आप दस किस्म की और चीज़ें उसके अंदर पंसा रहे हो क्योंकि ये चीज़ें फिर आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग को खराब करेंगी एल्गोरिदम को समझ ही नहीं आएगा कि मैंने इसको किस चीज के ऊपर किस स्किल के ऊपर इसको रैंकिंग देनी है तो होपफुली आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कीवर्ड्स कैसे ढूंढे जाते हैं ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं एक्सट्रीमली प्रोफेशनल हाई लेवल के तरीके हैं आप लोग इससे अगर इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो इनशाला आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इससे अगली जो वीडियो आ रही है वो बेसिकली प्रोफाइल क्रिएशन पे है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे है कोशिश कीजिएगा उसको मिस ना कीजिएगा डिटेल में समझेगा इस वीडियो के रिलेटेड आपके जो भी आते है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसी तरह मुझे दीजिए इजाजत अपना ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज़